क्या बर्फ है भाई, देख सकती हो एकदम बर्फी बर्फ है सामने। और ये पानी के साथ सामने देख सकती हो, तो पानी चल रहा है काफी स्पीड से। मंदिर आ ही चुका है, चलते हैं। देखो बाबा केदारनाथ का मंदिर सामने आ चुका है भाई, दर्शन कर सकते हो आप सभी लोग, ये सामने देख सकते हो। और अगेन चल रहा है पैदल, ठंड तो अच्छी खासी है, यहाँ देख सकते हो यहाँ का ये है। और पीछे हेलीकॉप्टर हेलीपैड भी आने लगा है, और देख सकते हो लाइन काफ़ी लंबी लग चुकी है। देखते कितने टाइम बाद दर्शन करना मौका मिलता है। जय श्री केदार बाबा की जय हो। मंदिर आ गया सामने, देख सकते हो आप लोग। और चलते हैं फिर आगे की तरफ, केदार बाबा का मंदिर के पास में ही है, हमने प्रसाद लिया। देख सकते हो आप मंदिर सामने, भाई ठंड तो लग रही काफी। देख रहे हो साइड में हम ही हैं दो लोग, और कोई है ही नहीं। काफी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। देख सकते हो बाबा केदारनाथ के आप दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो इस प्रकार से काफी भीड़ है, देख सकते हो इस प्रकार से। और ये वहां से लाइन लग रही है भाई, दर्शन करने के लिए लाइन नहीं मिली नीचे। एक तो लाइन आपको क्यों पीछे दिख रही है, ये लाइन पीछे से हम आगे आ गए हैं, और पता नहीं कहाँ से बेस के पास हम उतारे थे, वापस जा रहे हैं अभी। ब्रिज के पास से लाइन है, वो ओम के पास से घूमने के लिए देख सकते हो। भाई हम लौट के आए क्योंकि लाइन जो ओम दिख रहा है इसके पास से लाइन है। उनके पास से लाइन है इसके, जितना है दर्शन करने की लाइन ओम के पास से नीचे से जाना पड़ता है, तब जाके दर्शन होते हैं। पता है इस पार से जाना, उस पार से यहाँ से लाइन कहीं से गई है, इधर से है, इधर जा रहे हैं आधे लोग। भाई ये बहुत यार ठंड लग रही थी, इसलिए हमने रेनकोट पहन लिया अपना, जो कल लिया था हमने ठंड रोकने के लिए। और ये विशाल भाई जैकेट ढूंढ के लेके आए हैं, रेनकोट की तरह 1100 रुपये की, और यहाँ पानी बिस्लरी की बोतल 100 रुपये की। अब भाई ये देखो ये लाइन ऐसे गई है और फिर ऐसे घूम के आएगी, बहुत ही ज़्यादा दूर है, देख सकते हो। इधर धूप आ गई है और इधर छाया है, बहुत ठंडा है यहाँ पर, और ये सामने बर्फ देख सकते हो आप। भाई हम लोग पीछे वाली लाइन में लगे हैं, तो दर्शन करने में परेशानी हो रही है, और वो लाइन चल नहीं रही है, और देख सकते हो VIP दर्शन हो रहे हैं, और इसी वजह से पीछे जो लाइन दूर से आ रही है उनके नहीं पा रहे हैं, यहाँ से लोग VIP दर्शन कर रहे हैं, देख सकते हो।
पैसे देने के VIP दर्शन हो रहे हैं, बाकी सब जो लाइन में उनकी लाइन आगे बढ़ी नहीं रही है, देख सकते हो। नॉर्मल वाली लाइन वो टेंट है, ये टेंट है, ये नॉर्मल वाली लाइन है, और ये देख रहे हैं ये लोग आपके लिए, ये VIP दर्शन वाले हैं। साहिब भाई हो, यहाँ पे VIP दर्शन हो रहे हैं ये, और उधर की लाइन चल रही है, हमारे लग रही है आज दर्शन होंगे नहीं होंगे। मैं तो लाइन से आ गया हूँ हटके, क्योंकि मेरे साथ वाले पीछे लगे हैं लाइन में, तो देख सकते हो VIP यहाँ दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है। पंडित द्वारा और पुलिस द्वारा पैसे दे के VIP दर्शन हो जाते हैं, देख सकते हो उसमें। भाई देख सकते हो मंदिर के पीछे आ गए हैं, और ये बताया था जब बाढ़ आई थी तो मंदिर को बचाने के लिए पत्थर है, इसने बहुत ही ज़्यादा मदद की थी जब बाढ़ आई थी। जब बाढ़ आई थी तो इस पत्थर की वजह से मंदिर बच गया था भाई। फुल सपोर्ट करी थी इस पत्थर ने। देख सकते हो भाई भीड़ लगी हुई है, ये है नॉर्मल वाली लेन, और देख सकते हो ये कति नहीं बढ़ रही है, कैसे दर्शन होंगे लोगों के। ये मंदिर है, कैसे ही होंगे दर्शन, लाइन का ही बड़ी नहीं रही है, देख सकते हो भाइयों ये नॉर्मल वाली लाइन है, कतई आगे बढ़ी नहीं रही है, जाम है क्योंकि VIP दर्शन की वजह से, और बाकी लोगों को साधारण दर्शन हो ही नहीं पा रहे हैं, देख सकते हो आप सभी लोग। ये लाइन लगी हुई कैसे किस प्रकार से, ये है लाइन, एक भी बंदा आगे नहीं बढ़ रहा है, कैसे देंगे दर्शन। भाई देखते हो जब भर के दे रहे हैं सभी लोग, जब भर के दिया जाता है यहाँ वो अंदर चढ़ाया जाता है, देख सकते हो भाई मुस्तैद के मुंह से पानी निकल रहा है, सभी लोग भर रहे हैं। और इधर से VIP दर्शन हो रहे हैं, नॉर्मल दर्शन हो नहीं पा रहे हैं लोग, काफ़ी पैसे पंडित जी करवा रहे हैं, पैसे ले लेके, देख सकते हो सभी लोग। भाई देखते हो केदारनाथ में ये नया काम चल रहा है अभी, बर्क और देखो सीटें कितनी बढ़िया, बैठने के लिए सीटें बनाई है, इस पार्क भी बनी हुई है, और एकदम बेहतरीन एकदम बन गया, देख सकते हो, और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है भाइयों, और बारिश होने लगी है, बादल देख सकते हो बर्फ भी है। और पीछे भी देख सकते हो काफी लंबी लाइन लगी हुई है भाइयों, और अभी 6 बजे से हम लगे हुए हैं लाइन में, और अभी तक